नमस्कार दोस्तों, पियोनियर इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये डीसीए कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 8 है। पिछला वीडियो में हमने जाना था कैसे फेस बनाएंगे, और इस वीडियो में जानेंगे कि इस फेस को हम लोग कैसे सेव करेंगे। यानी कहने का मीन्स ये है कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस पेंट के फाइल मीनू के बारे में। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं फाइल मीनू के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फाइल जो दिख रहा है इस पर लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो मेरा ये लिस्ट आ गया, जिसमें कि आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर में न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है। इसी तरह से सभी ऑप्शन पर हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो भी हम लोग सेव बनाए हैं या फिर कोई भी फिगर इसमें बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो उसको कैसे सेव करते हैं। यानी सेव करने का मीन्स कि दोबारा कभी अगर ज़रूरत पड़े तो फिर उस फाइल को हम लोग देख सकते हैं, खोल कर ओपन करके देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेव पर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेस्कटॉप कहाँ पर है, क्योंकि लोकेशन हम लोग देते हैं सेव करने के लिए कि कहाँ पर सेव होगा ये फाइल। तो सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। डेस्कटॉप पर क्लिक किए, उसके बाद यहाँ आप देखिए फाइल नेम। तो फाइल नेम आप जो भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं इसमें दे रहा हूँ फेस एफ ए सी ई फेस और 1111 के नाम से इसमें हम लोग सेव कर देंगे। देखिए ये हमारा फेस 11 के नाम से सेव हो गया। अब ये सेव पर क्लिक कर देंगे तो मेरा ये फाइल सेव हो गया। ये देखिए टाइटल बार जो है मेरा इसमें आपको यहाँ शो कर रहा है फेस 11 के नाम से। तो टाइटल बार का मतलब यही होता है कि जो भी हम लोग फाइल सेव करेंगे वो ऊपर में दिखेगा टाइटल बार में। तो ये हम लोग जान गए सेव के बारे में। अब हम लोग आते हैं, सबसे फर्स्ट में न्यू ऑप्शन है। तो न्यू का मतलब होता है न्यू पेज लेना, नया पेज लेना। तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये मेरा नया पेज आ गया। उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद है ओपन। ओपन मीन्स होता है कि जो फाइल हम लोग सेव किए थे उसको ओपन करना, खोलना। तो एक तो आपको जो भी आप लेटेस्ट फाइल सेव करेंगे तो यहाँ शो करेगा। अगर आप यहाँ पर नहीं शो कर रहा है तो आप जाएंगे ओपन ऑप्शन में, यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। अब इसमें लोकेशन देंगे कि कहाँ हम लोग सेव किए थे। तो डेस्कटॉप पर सेव किए थे, और यहाँ देखिए डेस्कटॉप पर सेव किए थे तो किस नाम से किए थे, तो फेस 11 के नाम से किए थे। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे तो ये मेरा जो भी फाइल सेव किए थे वो ओपन हो गया। अब देखिए उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, सेव तो जान गए, सेव एज। तो सेव एक बार ही किया जाता है, और सेव एज हम लोग चाहें तो बार बार कर सकते हैं। जैसे कि सेव एज पर क्लिक करते हैं, लोकेशन में मैंने डेस्कटॉप ही दिया। अब यहाँ पर फेस के नाम से था सेव, तो फेस 11 के नाम से था। तो इसको देखिए बैक स्पेस से 11 को हटा रहे हैं, यहाँ पर फेस 22 के नाम से मैं सेव कर दूंगा। तो देखिए जैसे ही सेव ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए टाइटल बार में शो कर रहा है फेस 22 के नाम से। तो हम लोग इस तरह से सेव एज चाहें तो नाम चेंज करके जितना बार चाहें फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं सेव एज के द्वारा। अब देखिए उसके बाद क्या है, फिर से हम लोग ओपन करके देखते हैं। देखिए डेस्कटॉप पर जो है दोनों फाइल मेरा शो कर रहा है, फेस 22 और फेस 1। तो जो भी हम लोग चाहें, फेस 1 अगर ओपन करना चाहें तो फेस 1 ओपन हो जाएगा। देखिए फेस 1 ओपन हो गया, देखिए ऊपर में फेस 11 शो कर रहा है। तो इस तरह से आपने जाना सेव और सेव एज में अंतर। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है प्रिंट। तो प्रिंट में हम लोग देखें यहाँ तीन ऑप्शन शो कर रहा है, प्रिंट, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रिंट। प्रिंट का काम है कि प्रिंट निकालने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा कि मेरा पेज जो है वो सही से मार्जिन सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ प्रिंट प्रीव्यू क्लिक कर रहे हैं और यहाँ शो कर रहा है पेज मेरा किसका मार्जिन सही है या नहीं है। तो मेरा मार्जिन इसमें सही आ रहा है। फिर से हम लोग फाइल मेनू में जाएंगे, प्रिंट, सेकंड में पेज सेटअप है। तो अगर मान लीजिए मार्जिन सही नहीं रहता तो हम लोग यहाँ क्या करते, फिट टू में 1x1 है।
अगर यहाँ वन बाई वन नहीं रहता तो इसमें हम लोग वन बाई वन दे देते, क्योंकि फिट टू से वन बाई वन ही मार्जिन सही होता है। अगर मान लीजिए कि इसमें हम लोग मार्जिन का वैल्यू जो है चेंज कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चेंजिंग आ जाएगा। जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ टेन टेन, तो देखिए टेन बाई टेन लेते हैं, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर मार्जिन मेरा कट गया है। जैसे मैं ओके करता हूँ इस पर, फिर से मैं प्रिंट प्रीव्यू चेक करूँगा, प्रिंट में जाकर प्रिंट प्रीव्यू, देखिए यहाँ मार्जिन मेरा कट रहा है। तो आप पेज सेटअप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए जैसा ही मैंने पेज सेटअप पर क्लिक किया, फिट टू में वन बाई वन मैं कर दूँगा, तो मार्जिन मेरा फिर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ शो कर रहा है, जैसे मैंने वन बाई वन करने जा रहा हूँ, मार्जिन मेरा ये सही हो गया। अब देखिए इसको मैं ओके करूँगा, तो देखिए यहाँ पर मेरा मार्जिन सही हो गया। तो ये पेज सेटअप से हम लोग मार्जिन सेटिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, प्रिंट। तो प्रिंट हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी जो भी हम लोग फाइल सेव किए हैं इसको अगर प्रिंट करना है, दो पेज तीन पेज जितना पेज करना है, तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉपीज, तो मान लीजिए कि आपको दो कॉपी करना है, तीन कॉपी करना है, जितना भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रिंटर अगर आपके पास रहेगा तो प्रिंट निकल जाएगा। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, देखिए प्रिंट प्रीव्यू देख लिए, प्रिंट हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही ऑप्शन आएगा। तो प्रिंट हम लोग दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो फिर इस पर क्लिक करेंगे या तो फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि फाइल में कौन सा ऑप्शन बाकी रह गया है, तो फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, तो ये मेरा है सेंड इन ईमेल, तो ईमेल करने के लिए है, तो ये मैं बाद बताऊंगा। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ लिखा हुआ है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी कहने का मीन्स ये है कि जो आप फिगर बना है इसको डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड के रूप में कैसे लगाएंगे। तो देखिए मैं अभी यहाँ से मिनिमाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप पर ये लगा हुआ है। फिर मैं एमएस पेंट में जाऊँगा, देखता हूँ एमएस पेंट मेरा कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर है मेरा एमएस पेंट, इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखेंगे अब मेरा डेस्कटॉप पर जो भी फिगर मैंने फेस का बनाया था वो डेस्कटॉप पर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है ऑप्शन का यूज करके अपना जो भी बेहतरीन से बेहतरीन फिगर बना सकते हैं उसको डेस्कटॉप पर लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि डेस्कटॉप पर मैं चाहता हूँ कि पहले जो मेरा था वो आ जाए, तो उसके लिए क्या करूँगा, राइट बटन प्रेस करूँगा, पर्सनलाइज में जाऊँगा। अब मेरा ये पहले ये बैकग्राउंड था, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा लेफ़्ट बटन से, तो ये मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। फिर से मैं एमएस पेंट में जाऊँगा, तो ये आप देख रहे हैं सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का क्या काम था। अब हम लोग आते हैं इसको प्रॉपर्टी चेक करने के लिए सिर्फ, तो इसका उतना काम नहीं है। और ये आप देख रहे हैं एग्जिट ऑप्शन है, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हम लोग एमएस पेंट से बाहर आ गए। तो इस वीडियो में आप सीखें फाइल मेनू के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग एमएस पेंट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।